शनिवार की शाम को सिविल लाइन थाना क्षेत्र छतरपुर के झांसी खजुराहो फोर लेन पर ग्राम कदारी के पास एक तेज रफ्तार सफारी कार सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बताया गया है कि घटना के वक्त बारिश हो रही थी, जिस कारण से कुछ लोग इसी ट्रॉली के नीचे बैठे हुए थे। दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित कुल 5 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय अखिलेश पुत्र अच्छेलाल यादव अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में भूसा भरकर छतरपुर शहर के नौगांव रोड पर आया था। ट्रॉली खाली करने के बाद वह अपने साथी नरेंद्र पुत्र सुकन यादव उम्र 18 साल, राहुल पुत्र जयपाल यादव उम्र 18 साल के साथ गाँव जा रहा था। फोरलेन पर ग्राम कदारी के पास अचानक बारिश होने लगी, जिस कारण से अखिलेश ने ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और अपने साथियों के साथ बारिश से बचने के लिए ट्रॉली के नीचे बैठ गया। वहीं बाइक से ग्राम दिदौनिया जा रहे धर्मेंद्र सिंह पुत्र गोविंद सिंह उम्र 40 वर्ष, शैलेंद्र सिंह उर्फ नाती राजा पुत्र बहादुर सिंह उम्र 30 वर्ष और केशु राजा पुत्र नाती राजा उम्र 4 वर्ष ने भी ट्रॉली के नीचे ही शरण ले ली। इसी बीच छतरपुर से खजुराहो की ओर जा रही एक तेज रफ्तार सफारी कार के चालक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारते हुए सीधे ट्रॉली में जा घुसी। सफारी कार में घटना के वक्त छतरपुर के नरसिंहगढ़पुरवा निवासी 45 वर्षीय शक्ति सिंह सोलंकी, उनकी पत्नी डॉली राजा और 10 वर्षीय पुत्र धनंजय सिंह सवार थे। दुर्घटना में सफारी चालक शक्ति सिंह के अलावा बारिश से बचने के लिए ट्रॉली के नीचे बैठे दिदौनिया निवासी धर्मेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सफारी कार में सवार 10 वर्षीय धनंजय सिंह, ट्रॉली के नीचे बैठे 4 वर्षीय केशु राजा, अखिलेश यादव, नरेंद्र यादव और राहुल यादव घायल हो गए। मृतक शैलेंद्र सिंह की पत्नी डॉली राजा इस दुर्घटना में बाल बाल बच गईं। घटना के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल लेकर आई। जिला अस्पताल में इतने बड़े हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, घायलों को इलाज दिया जाने लगा। शाम को एडिशनल SP विक्रम सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों का इलाज कैसे हो रहा है इसकी जाँच पड़ताल की। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि बुरी हालत में घायलों को यहां लाया गया था। एडिशनल SP ने बताया कि घायलों को अस्पताल में पहुंचाकर उनका इलाज कराया जा रहा है, जो गंभीर हैं उन्हें रेफर किया जाएगा। नरेंद्र यादव कहां के आ रहे भाई? कहां से कहां जा रहे थे तुम? हो रहे खड़े यहां थे। कहां पे खड़े थे? बेतकादारी चौकी के आगे। काहे से खड़े थे? का ले थे तुम्हारे? कसीलो ट्रैक्टर से खड़े थे। फिर कैसे एक्सीडेंट हुआ? जो उन्हें पीछे से मार दे प्लेयर हुआ। फिर अस्पताल कैसे आए तुम्हारे? एम्बुलेंस से। तुम्हारे कितने जने बैठे थे ट्राली नीचे? 6 जने। का नाम है उनकी बताओ? राहुल बल्लाव, नरेंद्र, सोनू राजा, छोटे राजा, एक जन उनके लड़का है। 6 जने ट्राली के नीचे बैठे थे? हाँ। पानी से बच गए? हाँ। सर किस तरह की अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारे पास 8 पेशेंट आए थे, 8 में से 3 पेशेंट हमारे पास मृत आए। हमने उनका ECG किया और देखा तो वो डेड थे। 3 पेशेंट थे, 3 पेशेंट स्टेबल हैं, उनको भर्ती कर दिया गया है। 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे को सिर में बहुत गंभीर चोट है, अभी उसको प्राथमिक उपचार OT में कर रहे हैं। एक बच्चा है, उसको फीमर हड्डी टूटी हुई है, पर वो ठीक है, स्टेबल बच्चा। तीन हमारे पास 8 पेशेंट आए, 8 में से 3 पेशेंट डेड आए हमारे पास। किसी को रेफर किया गया है? नहीं, अभी रेफर नहीं किया गया, छोटा बच्चा है उसको रेफर कर सकते हैं। अभी ऊपर OT में है, उसको सर देख रहे हैं अभी हेड वाले। ये थोड़ी देर पहले एक घटना हुई है, ये ग्राम बसारी जो थाना बमीठा अंतर्गत आता है, वहाँ पे ट्रैक्टर में जो 3 लोग बैठे हुए थे पहले, बारिश होने से वो ट्रॉली के नीचे आ गए बचाव में। इसी के बीच थोड़ी देर बाद एक बाइक वहाँ से निकलती, जिसमें बाइक में 2 एडल्ट और एक बच्चा था, वो भी उसके नीचे बैठ जाते हैं ट्रॉली के नीचे, ताकि पानी से बच सके। इस तरह ट्रॉली के नीचे लगभग 5 एडल्ट और एक बच्चे थे, और पीछे से एक टाटा सफारी आती है MP 16 पासिंग, उसमें भी 3 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था करीब 10 साल का। पीछे से तेजी से टक्कर लगी है और उसमें 3 लोग की डेथ हो गई। उनकी डेड बॉडी जब हॉस्पिटल में लेके आए तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रॉड डेड है। एक बच्चा है करीब 4 साल का, वो सीरियस है, उसको रेफर कर दिया गया है ग्वालियर के लिए, और बाकी को हल्की हल्की सभी चोटें हैं, सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है।
और उनके परिवारजन से हमारी बात हुई अभी और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी मौत हुई सर, वो लोग कहाँ के? इसमें जो डेथ हुई है उसमें दो तो छतरपुर के ही हैं। ये छतरपुर का है मेन, जो टाटा सफारी में थे शक्ति सिंह, उनकी डेथ हुई है। और बाकी दो लोग जो और डेथ हुई है वो छतरपुर के ये ग्राम दिदेनिया है, जिसमें एक नाती राजा और धर्मेंद्र सिंह, इस तरह तीन लोग की डेथ हुई है, तीन मेल की और एक बच्चा भी सीरियस। जो घायल, उनकी हालत कैसी है अभी? घायल की कंडीशन स्टेबल है, फ्रैक्चर वगैरह है, किसी को सिर में छोटे हैं, आंखों के पास में एब्रेजन वगैरह है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सफारी वालों का जो था, इनका कहना था कि छतरपुर से खजौहा जा रहे थे, कोई उनका पारिवारिक कोई शाद का कार्यक्रम था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर वाले भी पास के ही थे, कुटिया गांव के, जो किसी काम से छतरपुर आए हुए तो वापस अपने गांव जा रहे थे। और बारिश तेज होने से रोड किनारे उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके ट्रॉली के नीचे बैठ गए थे।